दोस्तों केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के लिए मिनी ऑक्शन के अंदर हेडेक बहुत ही बढ़ने वाला है और इसके पीछे वजह है गौतम गंभीर, क्योंकि गौतम गंभीर जिस भी टीम में आते हैं मैनेजमेंट से बहुत ही ज़्यादा काम करवाते हैं, यानी उनका भरोसा है कि अगर किसी को भी एक भी रुपया मिल रहा है तो वो उसका 100% यहाँ पर हार्डवर्क करे, पे ऑफ करे टीम को जो उनको पैसा दे रहे हैं, ये एक बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। तो ये अब सभी फैंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, टीम केकेआर किन किन को यहाँ पर टारगेट करने वाला है। आज की वीडियो टारगेट प्लेयर्स के ऊपर तो जरूर होने वाली है, बट आज की वीडियो में हम बात करेंगे टीम केकेआर के कमबैक प्लेयर्स पर। तो आज एक बात की गारंटी आप सभी को मैं दे देता हूं, अगर आज की वीडियो में जिन प्लेयर्स का नाम मैं ले रहा हूं अगर उनके बारे में आपको डिटेल में बातचीत समझ नहीं आई तो आप इतिहास में हिस्ट्री में किसी की भी वीडियो ले लेना, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। आज आपको हर एक चीज, हर एक स्टेट्स मिलने वाले हैं, डिटेल्स में बातचीत होने वाली है। बट वहीं दोस्तों अगर कोई बड़ी अपडेट आज आने वाली है केकेआर के लिए तो वो सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज आपको नीचे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो प्लीज उसको फॉलो कर लेना। आज की वीडियो भले ही थोड़ी लंबी होने वाली है बट बहुत ही शानदार होने वाली है, तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो आप सभी तो जानते हो कि यहां पर 19 दिसंबर को हमें मिनी ऑक्शन देखने को मिलने वाला है। अब मिनी ऑक्शन में काफी सारे लोगों को काफी कुछ पता नहीं होगा, तो आओ मैं आपको इन सब के स्टैट्स भी बता देता हूं। अब आप या तो ईयरफोन लगाकर अपने कान में ये ऑडियो, जो ये वीडियो है, इसको ऑडियो के थ्रू सुन सकते हो, या फिर आप है ना स्क्रीन पर भी सारे स्टैट्स आराम से पढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छी एडिटिंग चल रही है, तो आप सब कुछ देख लो। तो मिनी ऑक्शन की बात करें तो डेट आप जानते ही हो, 1166 यानी 1166 प्लेयर्स ने यहां पर दोस्तों जो रजिस्ट्रेशन है वो किया है मिनी ऑक्शन के लिए, जिसमें 212 कैप्ड खिलाड़ी हैं और 909 अनकैप्ड खिलाड़ी हैं। यहाँ पर हमें जो प्राइजिंग देखने को मिलती है वो टॉप प्राइजिंग होती है 2 करोड़ की, यानी 2 करोड़ से ज़्यादा किसी का भी बेस प्राइज नहीं हो सकता है। 2 करोड़, उसके बाद आती है 1.5 करोड़, फिर 1 करोड़, फिर 75 लाख, इसके बाद आता है 50 लाख, 40 लाख, 30 लाख और 20 लाख। अगर यहीं पर हम बात करें तो 1166 यानी 1166 खिलाड़ी के अंदर हमें बहुत ही सारे प्लेयर्स, बहुत ही ज्यादा प्लेयर्स बड़े बड़े देखने को तो मिलने वाले हैं, बट बहुत सारे अनकैप्ड भी जाने वाले हैं, वो जो अनसोल्ड भी जाने वाले हैं। अब कैसे वो तो मैं बता देता हूं, बट यहां पर जो 830 खिलाड़ी है ना वो इंडियन खिलाड़ी हैं और इसमें से 18 कुल ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि कैप्ड खिलाड़ी हैं, और इन 18 में से 4 खिलाड़ियों ने अपनी जो वैल्यू है ना वो 2 करोड़ रखी है और 14 खिलाड़ियों ने अपनी वैल्यू 50 लाख रखी है। तो उम्मीद करेंगे कि यार एटलीस्ट ये 18 इंडियन खिलाड़ी तो बिक ही जाएं, वैसे सबके लिए हम सोच तो सकते हैं कि सब बिक जाएं, बट मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो ओवर 1100 प्लेयर्स हैं इसमें से 10 टीमों को केवल 77 प्लेयर्स की ही रिक्वायरमेंट है। सो आप समझ सकते हो कि यार यहाँ पर ऑलमोस्ट 1000 से 1200 जो खिलाड़ी हैं इसमें से 1000 खिलाड़ी तो अनसोल्ड ही जाने वाले हैं। खैर अब आ जाते हैं हमारे टीम केकेआर के कमबैक प्लेयर्स के ऊपर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ डिटेल में टीम केकेआर किन प्लेयर्स को कमबैक कराने वाली है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ टोटल 6 नाम, यानी मैं आपको बताऊंगा 5 नाम और एक होने वाला है बोनस नाम। तो उस बोनस नाम के लिए यार एटलीस्ट अभी इस वीडियो को आप एटलीस्ट 5 जनों के लिए शेयर कर दो। अब बात करेंगे यहां पर कमबैक प्लेयर्स की। अब ये कमबैक प्लेयर्स जो है अलग-अलग एरा, अलग-अलग जॉनर के हैं, कोई फास्ट बॉलिंग करता है, कोई स्लो बॉलिंग, कोई ओपनर है, कोई विकेट कीपर, कोई क्या है, कोई क्या है। तो आप वीडियो देख लो, इनके बारे में समझ लो, सीख लो, बेस प्राइस वगैरह आप खुद सर्च कर सकते हो, या चलिए हम वो भी उसके ऊपर बात करेंगे। बट यहां पर दोस्तों अगर बात की जाए ना तो सबसे पहले लिस्ट के अंदर नाम निकल कर आता है मनीष पांडे का। तो मनीष पांडे का आईपीएल डेब्यू 2008 के अंदर ही हो गया था और 170 कुल इन्होंने मुकाबले खेले हैं आईपीएल के अंदर, बहुत ही सारी टीमों से ये अपना यहां पर गेम प्ले शो कर चुके हैं, सब कुछ आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। वहीं अगर बात करें तो इनका हम ओवरऑल जो लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस है आईपीएल का वो तो आप देख ही सकते हो। करियर की अगर इनकी बात करें तो 170 मुकाबले हैं उसमें से 27 ये नॉट आउट टाइम रहे हैं, ऑलमोस्ट यहां पर 3800 से ज्यादा रन है, हाईएस्ट स्कोर 114 का है और एक ओवरऑल ओके एवरेज इनका रहा है जो कि 29 का है, और इनके कितने शतक हैं, कितने अर्धशतक हैं, ये सब कुछ आप भले स्क्रीन पॉज करके सब कुछ आराम से पढ़ सकते हो। तो लिस्ट में पहला नाम रहा मनीष पांडे का, लिस्ट में दूसरा नाम है पैट कमिंस का। तो इनकी स्पेशलाइजेशन है बॉलिंग की, साल 2014 में इनका आईपीएल डेब्यू हुआ था,
टोटल मुकाबले इन्होंने आईपीएल के अंदर 42 खेले हैं। इसके अलावा इनकी डिटेल्स वगैरह आप स्क्रीन पर देख सकते हो, कौन सी टीम को ये रिप्रेजेंट कर चुके हैं। रीसेंट टाइम के इनके 3 साल के स्टेट्स देखे जाए, साल 2023 में पैट कमिंस नहीं खेले थे, तो रीसेंट टाइम के इनकी बॉलिंग स्टेट्स देखे जाए तो 42 मुकाबले इन्होंने खेले हैं और बॉल डाली है ऑलमोस्ट 950, जिसमें इन्होंने 1300 के आसपास रन दिए हैं, 1350 के आसपास 45 विकेट है। बेस्ट इनका देख सकते हो, एवरेज देख सकते हो, इकोनॉमी देख सकते हो, तो ओवरऑल एक अच्छा पैकेज पैट कमिंस लेकर आएंगे, जो कि यहां पर अच्छी बेस प्राइस के ऊपर तो अभी है, बट हाँ काफी कम में टीम केकेआर को मिल सकते हैं। बट यहां पर दो और टीमें हैं जो टीम केकेआर के साथ पैट कमिंस को यहां पर दांव पर लगाने वाली है। एक तो है नो डाउट गुजरात टाइटंस की, और एक अभी हमें अपडेट नहीं मिला है। तो लिस्ट में दूसरे नंबर पर हमारा जो नाम है वो है यहां पर पैट कमिंस का। लिस्ट में तीसरा नंबर जो है वो है दिनेश कार्तिक का, क्योंकि ये प्लेयर जो है रिटेन रह चुका है और यहां पर दोस्तों केवल ट्रेड के थ्रू ही आ सकते हैं। ट्रेड की बातचीत भी अभी चल रही है, तो उम्मीद करेंगे कि ये ट्रेड जरूर यहां पर पॉसिबल हो या फिर नहीं हो, वो आप नीचे कमेंट करके बता देना। इनका डेब्यू हुआ था साल 2008 में और इनकी स्पेशलाइजेशन है विकेट कीपिंग और बैटिंग, तो आप देख सकते हो कौन सी टीम को दिनेश कार्तिक रिप्रेजेंट कर चुके हैं। इसके अलावा इनके लास्ट 3 साल के परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, 242 मुकाबले जिसके अंदर 46 टाइम ये नॉट आउट रहे हैं, 4500 से ज्यादा इनके रन रहे हैं, हालांकि शतक कभी नहीं मार पाए, बट 97 का जो हाईएस्ट स्कोर इन्होंने बनाया नॉट आउट वो टीम केकेआर के अंदर रहते हुए ही आया था। इनकी एवरेज कितने अर्धशतक, स्ट्राइक रेट, चौके, छक्के सब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। सो अगर टीम केकेआर दिनेश कार्तिक को ट्रेड कर लेता है, भले ही ये कैश ट्रेड हो या किसी प्लेयर के थ्रू ट्रेड हो, तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन टीम केकेआर को मिल सकता है, क्योंकि गौतम गंभीर आ गए हैं ना, तो आप बिलीव करना कि लंगड़े घोड़े भी दौड़ने लगेंगे। एंड लिस्ट में अगला नाम है शार्दुल ठाकुर का, तो शार्दुल ठाकुर की स्पेशलाइजेशन है बॉलिंग के अंदर। आईपीएल डेब्यू इनका साल 2015 में हुआ था और 86 मुकाबले ये आईपीएल के अंदर खेल चुके हैं। देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर कौन सी टीम को ये रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अब शार्दुल ठाकुर के अंदर एक ही कमी थी कि इनका जो बैलेंस था, जो इनकी प्राइसिंग थी, वो बहुत ज्यादा हाई थी। नो डाउट ये इस सीजन भी लगभग 8 से 10 करोड़ में बिक सकते हैं, बट टीम के क्या ने गैम्बल खेला है जहां पर ये चाहते हैं कि बेस प्राइस के आसपास इनको लिया जाए, थोड़ा महंगा लिया जाए। देखते हैं टीम के अगर इनको वापस ले पाती है नहीं ले पाती है। 86 मुकाबलों में 1600 से ज्यादा रन यहां पर गेंदे फेंकी है और 2500 से ज्यादा रन दिए हैं, तो काफी यहां पर महंगे हमें देखने को मिले हैं। 89 विकेट जरूर इन्होंने लिए हैं और सब कुछ सारे स्टेट्स आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। तो लिस्ट में यहां पर चौथे नंबर पर था हमारे शार्दुल ठाकुर का नाम। पांचवें नंबर के ऊपर निकल कर आता है नाम शिवम मावी का, तो यंग है काफी और यह है इनकी स्पेशलाइजेशन बॉलिंग के अंदर। आईपीएल डेब्यू 2018 से हुआ था, जो कि केकेआर के ही था, और यहां पर 32 मुकाबले शिवम मावी खेल चुके हैं। कौन सी टीम को रिप्रेजेंट करते हैं ये अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। तो इसके अलावा दोस्तों इनके करियर स्टेट्स पर ध्यान दिया जाए तो 32 मैचों के अंदर लगभग 650 गेंद इन्होंने डाली है और यहां पर लगभग 950 रन इन्होंने दिए हैं, विकेट केवल 30 ही लिए हैं और विकेट की झोली में दोस्तों यहां पर इनके कमी पड़ती है। हालांकि जो इनका करियर बेस्ट है 4 विकेट 21 रन देकर, ये केकेआर के ही यहां पर खेमे में रहते हुए आया था, बट टीम केकेआर के अंदर जो अभी टैलेंट स्काउट, बॉलिंग कोच, हेड कोच और मेंटोर हैं, वो सही इस्तेमाल यहां पर शिवम मावी का कर सकते हैं, तो एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट शिवम मावी के ऊपर टीम केकेआर कर सकता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लिस्ट में 5 नाम हो गए हैं, बट एक यहां पर नाम होने वाला है बोनस नाम, तो वो कौन है? वो बोनस नाम होने वाला है मिचेल स्टार्क का। जी हाँ दोस्तों, अभी काफी सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि ये वीडियो तो कमबैक प्लेयर की है, बट टीम केकेआर से तो कभी यहां पर मिचेल स्टार्क नहीं खेले। तो सबसे पहले इनकी स्पेशलाइजेशन देख लेते हैं। स्पेशलाइजेशन है इनकी बॉलिंग की। साल 2014 में इनका आईपीएल डेब्यू हुआ था, बट बात करें तो 27 मुकाबले ये खेल जरूर चुके हैं आईपीएल के, और अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कौन सी टीमों के लिए ये खेल चुके हैं। अब इसके अंदर टीम केकेआर का नाम इसलिए नहीं है क्योंकि जब टीम केकेआर ने इनको ऑक्शन में परचेस किया था, सब डील डन हो गई थी, तो ये अपने देश चले गए थे और उसके बाद खेलने नहीं आए थे। अगर वो उस टाइम आ जाते तो आपको यहां पर लिस्ट में टीम केकेआर का भी नाम दिखता, बट अभी आप रिसेंटली इनकी यहां पर करियर स्टेट्स देख सकते हो कि बैटिंग में भी थोड़ा बहुत ये खेल लेते हैं। करियर में बॉलिंग इन्होंने जो की है 27 मुकाबलों के अंदर, तो एक अच्छी बॉलिंग इन्होंने की है, 580 के आसपास बॉलें डाली है और लगभग 700 रन इन्होंने दिए हैं, विकेट 34 लिए हैं, यानी विकेट टेकिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है यहां पर मिचेल स्टार्क की, और सब कुछ आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख
देख सकते हो। तो आई होप कि ये जो 5 से 6 खिलाड़ी हैं टीम केकेआर के, आपको समझ आए होंगे कि कमबैक में कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं है कि केवल यही है ट्रुप के 21 जिनको टीम केकेआर कमबैक करा सकता है, कमबैक के लिए और भी काफ़ी सारे खिलाड़ी हैं। मोहम्मद नाबी हैं, इसके अलावा यहाँ पर और भी हमें लॉकी फर्गसन, टिम साउटी, बहुत सारे खिलाड़ी हैं, बट जो केपेबल हैं, जो जिनको गौतम गंभीर संभाल सकते हैं, नर्चर कर सकते हैं, तो यही है वो यहाँ पर खिलाड़ी। सो आप कमेंट करके ज़रूर बताओ, ये कमबैक में से सारे तो पॉसिबल नहीं है टीम में आ जाएं, इनमें से अगर 3 का नाम आपको लेना हो तो वो कौन से खिलाड़ी होने वाले हैं। साथ ही साथ हमें भी फीडबैक देना कि ये जो लॉन्ग वीडियो और साथ ही साथ स्टैट्स वगैरह आपको देखने को मिले हैं, ये आपको कैसे लगे हैं, क्या आप ऐसे और तरीके की डिटेल्ड वीडियो एनालिसिस देखना चाहोगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी जरूर लाइक कर देना। नीचे है टेलीग्राम का लिंक जहां आपको ब्रेकिंग अपडेट्स मिलती है सबसे पहले, तो उसको भी जरूर फॉलो कर लेना।